मुस्लिम समाज के लोगों ने निजी संस्था के माध्यम से किया रक्तदान। यूपी के जनपद गाजियाबाद के ग्राम मिर्जापुर और वीर अब्दुल हमीद कॉलोनी के लोगों ने कोरोना लॉकडाउन की वजह से एमएमजी अस्पताल में उत्पन्न हुई खून की किल्लत को दूर करने के लिए अस्पताल के सौजन्य से और सेक्टर 12 डबल टंकी स्थित मदरसा इस्लामिया रबिया दारुल उलूम नूरनिया के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संयोजक आसिफ सैफी, डॉक्टर नवेद आसिफ अली, मोहम्मद सोहेब अहमद यासिर साहब, सोहेब अहमद चौधरी, असर मोहम्मद, सादाब एडवोकेट और महेश चंद्र अग्रवाल ने पत्रकारों को बताया कि जिले में खून की किल्लत को देखते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मिर्जापुर सेक्टर 12 प्रताप विहार अब्दुल हमीद कॉलोनी और मिर्जापुर, तो यहाँ पर हम 3-4 यार दोस्त थे जिन्होंने, हमने न्यूज़ में पढ़ा कि ब्लड की बहुत शॉर्टेज चल रही है जिले के अंदर, और कई लोगों को भी हमने देखा कि ब्लड के लिए वो इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं लेकिन ब्लड मिल नहीं पा रहा था किसी को। तो इस करके हमें लगा भाई ये बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है जिले के अंदर, तो हम लोगों को मिलकर इसके लिए कोई हल निकालना चाहिए। तो हमें लगा कि भाई हम एमएमजी से बातचीत करें और अपने एरिया में एक कैंप लगाएं। तो फिर हमने एमएमजी से कॉन्टेक्ट किया तो सब लोग यहाँ पर आए, उन्होंने बोला ठीक है हम आपके यहाँ पर कैंप लगाएंगे और आप डोनर तैयार कर लीजिए। तो हमने 1 वीक पहले अपना काम स्टार्ट करा, डोनरों से बातचीत करी, जो भी डोनर देने वाले थे, डोनेट करने वाले थे लोग, तो मिर्जापुर से और वीर अब्दुल हमीद कॉलोनी से काफ़ी लोग डोनेट के लिए तैयार हो गए, जिसमें से 38-40 नाम थे लेकिन कुछ लोग आ नहीं पाए किसी वजह से। तो अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई हम 4 बजे आ जाएंगे, हम 5 बजे आ जाएंगे, तो उनसे हमने बोल दिया भाई जो लोग आ रहे हैं वो फिर अब सीधा एमएमजी में जाएं, क्योंकि अब 2 बजे तक का प्रोग्राम था ये क्लोज हो चुका है, तो अब एमएमजी में जो भी लोग आएंगे 4, 5, 10, 20 जो भी होगा वो एमएमजी जाके डोनेट करेंगे। तो अगर ये पहला कैंप है आपकी तरफ से तो आगे इस तरह की और क्या मतलब कौन सा कैंप लगाने की सोच रहे हैं आगे? एक्चुअली क्या है, हमने तो लाइफ में पहली बार किया है, सही बताएं तो कभी ऐसा कैंप हमने लगाया नहीं, तो ये सब परेशानियों को देखते हुए हमें एहसास हुआ कि भाई लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो हमें ये काम करना चाहिए। और जब हमने अपने कॉम के अंदर लोगों से बोला, अपने एरिया के अंदर बोला, तो उन्हें भी अच्छा लगा कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हैं और हम आप लोगों के साथ हैं, तो हमें इससे थोड़ा प्रोत्साहन मिला। तो आगे भी हम सोच रहे हैं 6 महीने में हम लगाएं, ये कैंप लगाएं ब्लड डोनेशन का। मैम यूनिट कलेक्शन क्या रहा है? यूनिट कलेक्शन अभी तक टोटल 20 हो चुके हैं, और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि इनका पहला कैंप था तो ये बहुत अच्छा, एक तरीके से बोले कि बहुत अच्छा डोनेशन रहा 20, और वो भी बहुत ही शॉर्ट टाइम में इन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया और अच्छा कलेक्शन रहा, और मैं चाहूँगी कि आगे भी ये करते रहें क्योंकि ब्लड डोनेशन एक महादान है, जो कि एक जैसे इन्होंने कहा कि मतलब अभी हमारे कोरोना के चलते हुए काफ़ी शॉर्टेज हो चुकी है ब्लड का। अच्छा, जो डोनर है उनको एक सर्टिफिकेट दिया गया, उसका क्या बेनिफिट रहेगा? उसका बेनिफिट ये रहेगा कि वो कभी भी हमारे एमएमजी में वो कार्ड लेके आए और उनको अगर उस वक्त उपलब्ध रहेगी ब्लड तो उन्हें फ्री में दिया जाएगा।